सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट 5 स्मार्ट टीवी जो आप खरीद सकते हो 15,000 के बजट सेगमेंट में। वीडियो पूरा एंड तक देना, काफी कमाल का होने वाला है। काफी कमाल के यहाँ पे 5 टीवीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अभी आगे वीडियो में मैं आपको कुछ 5 कमाल के स्मार्ट टीवी शेयर करने वाला जो आप 15,000 के बजट सेगमेंट में खरीद सकते हो। एकदम बजट सेगमेंट रेंज है और यहाँ पे कुछ कमाल के यहाँ पे टीवीज मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे यूजुअली हम कभी एक फोन लेते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है 15,000 के फोन से कि वो 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 साल चल जाए। बट यही अगर हम एक टीवी ले रहे होते तो हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन 4-5 साल का होता है। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही मैं देखते हुए टीवीज लेके आया हूँ, जहाँ पे कुछ ऐसी टीवीज है जहाँ पे आप एक बार खर्चा कर दो फिर सालों साल आपको चर्चा मिलने वाला है। जहां पे 5वें नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, फिर पहले नंबर पे जाएंगे। यहां पे 5वें नंबर पे, यहां पे हमारा OnePlus की तरफ से OnePlus Y सीरीज, जहां पे ये HD रेडी है, उसके साथ में 93% कलर एक्यूरेसी लेके आता है अपने साथ में, तो कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और इसका थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है और हमारे लिस्ट में आपको जितने भी टीवीज देखने को मिलने वाले हैं मैंने खुद से टेस्ट नहीं किया है, बट ये सब यूज़र एक्सपीरियंस फीचर्स ये सारे चीज़ पे बेस्ड है और इसके थ्रू भी आप एकदम बेस्ट टीवी अपने लिए चूज़ कर सकते हो। जहाँ पे 20 वॉट का डॉल्बी स्पीकर लेके आता है तो साउंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे OnePlus की तरफ से। फिर जैसे स्पेक्स के बारे में बात करें तो 1GB रैम है, 8GB स्टोरेज लेके आता है जो आपको सारे टीवी में देखने को मिलने वाला है। उसके साथ में एंड्रॉयड 9.0 यानी एंड्रॉयड पाई लेके आता है जो टीवी वाला वर्जन है, एंड ये भी आपको सब में कॉमन देखने को मिलने वाला है यूजुअली। और उसके साथ में ये 1 ईयर का वारंटी ले आता है टीवी पे और आपको उसके जो डिस्प्ले पैनल है उस पर 1 ईयर का एक एडिशनल वारंटी मिलता है, यानी 2 साल का टोटल वारंटी उस पर मिल जाता है। जहाँ पे इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस यूजुअली कुछ 18,000 के आसपास रहता है, बट सेल के टाइम पे ये आराम से 15,000 में मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो दिवाली का सेल आया था, उससे पहले पूजा का सेल आया था, वो सारे सेल में भी 15,000 में आराम से मिल रहा था और बल्कि कार्ड ऑफर्स लगा के और भी कम प्राइस में मिल रहा था। तो अगर आपको एक ऑफर में मिल रहा है 15,000 में मिल जा रहा है तो बहुत सही डील है, वरना इतना ज़्यादा प्राइस में आपको लेने के लिए मैं कंसिडर नहीं करने बोलूँगा, क्योंकि यार ये उतना भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी टीवी नहीं। और एज सच कुछ OnePlus के ब्रांड के साथ तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ कमाल भी पैकेज आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको एक अच्छा प्राइस में मिल रहा है तो फॉर श्योर आप इसमें जा सकते हो, वरना आप आगे का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। जहाँ पे से हम लोग बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर वाले टीवी पे, जो है Realme का HD टीवी। ये भी HD रेडी है ऑब्वियसली, 24 वॉट का डॉल्बी स्पीकर ले आता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा बेटर ऑडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस टीवी के थ्रू। एंड इसका डिस्प्ले पैनल वगैरह काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे यूजर रेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगेन स्पेक सेम है, 1GB रैम है, 8GB स्टोरेज है, एंड्रॉयड 9.0 है, एंड देन 1 ईयर अगेन टीवी पे वारंटी एंड 1 ईयर एक एक्स्ट्रा आपको डिस्प्ले पैनल में यहाँ पे भी देखने को मिल जाने वाला है। कलर्स वगैरह इस टीवी का काफ़ी सही है, Realme ने काफी सही काम किया इस टीवी पे। एंड प्राइस के बारे में बात करें 13,999 14,000 रुपए में बहुत सही डील है यहाँ पे Realme की तरफ से, और कार्ड ऑफर वगैरह अगर आपको मिलता है तो और कम प्राइस में बहुत सही वैल्यू फॉर मनी पैकेज यहाँ पे Realme की तरफ से आपको मिलने वाला है, जहाँ पे इसे आप Flipkart से ले सकते हो और यूजुअली बाकी सारे टीवीज आपको Amazon से मिल जाएंगे। एंड सारे के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। जहाँ पे इसके अगर हम लोग 3rd नंबर पे बढ़े तो ये है Amazon Basics Fire TV, जहाँ पे ये भी HD रेडी है और 20 वॉट का Dolby DTS 2 सराउंड स्पीकर्स लेके आ जाता है। काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी यहाँ पे मिल जाएगा, 1GB रैम है, 8GB स्टोरेज है, Alexa built-in है, बाकी सब में आपको Google देखने को मिलता है और ये Android भी नहीं लेके आता, आपको यहाँ पे Fire OS मिलता है जो Amazon का Fire TV Stick में देखने को मिलता है, जिसके थ्रू अपने टीवी को स्मार्ट बना सकते हो। वही सेम OS यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है और मेरे हिसाब से आपको Android से बेटर एक्सपीरियंस टीवी के मामले में इस Fire OS में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में हमारे लिस्ट में है उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है, जो उसका वारंटी है जो आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2 साल का वारंटी सिर्फ टीवी पे है और उसके साथ एक एडिशनल ईयर वारंटी आपको उसके पैनल पे मिलता है, यानी टोटल 3 साल का वारंटी आपको उसके पैनल पे मिल जाता है, जो बहुत बड़ी बात है जो आपको किसी और स्मार्ट टीवी में देखने को नहीं मिलने वाला है। और प्राइस के बारे में बात करें तो 14,999 15,000 रुपये में अमेजोन की तरफ से काफ़ी सही पैकेज है। फिर जाके अमेजोन जैसा एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है जिसमें आपको कोई भी सर्विस का प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो ये टीवी एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि एक बार खर्चा सालों साल खर्चा वाला टीवी है। जहां पे उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाले हमारे 2nd नंबर वाले टीवी के बारे में, जो है MI टीवी 4A प्रो, जो अगेन HD रेडी है और 20 वॉट का DTS ट्रू सराउंड स्पीकर्स लेके आ जाता है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर टीवी है मार्केट में, लाइक यूजुअली लोग Realme MI की टीवी में जा रहे हैं,
बट और भी अच्छे ब्रांड है जैसे कि अमेजोन, जिसे आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और आगे नंबर वन पे काफी कमाल का टीवी भी है जिसे आप जरूर देख लेना, जहाँ पे ये भी 1 GB रैम आपको 8 GB स्टोरेज लेके आ जाता है, एंड्रॉयड 9.0 अगेन यहाँ देखने को मिल जाता है, उसके साथ में MI का पैच वॉल 3.0 OS भी लेके आ जाता है जो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स दे देगा जो आपको एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलेगा। और ये वन प्लस वन वही सेम वारंटी जैसा बाकी टीवीज लेके आते हैं वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्राइस 14,999 यानी 15,000 में आपको EMI की तरफ से देखने को मिल जाएगा। काफी कमाल यहाँ पे भी आपको पैकेज मिल रहा है। जहां दोस्तों हमें फाइनली बढ़ते हैं हमारे नंबर वन स्मार्ट टीवी पे जो आता है कोडैक की तरफ से। जी हाँ, कोडैक का ये HD टीवी है जहाँ पे ये 7X प्रो सीरीज का है और ये HD रेडी है ऑब्वियसली। इसके साथ 24 वाट का स्पीकर भी लेके आता है। ये टीवी काफी ज्यादा कमाल है, यहाँ पे काफी अच्छा इसका यूजर रेटिंग है। उसके साथ में आपको यहाँ पे काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगा, उसके साथ में काफी अच्छा साउंड क्वालिटी पे 24 वाट का कर ले गया था जो बहुत कमी टीवी में मिलता है, आपको रियलमी में मिल रहा था, फिर उसके बाद आपको इस टीवी में देखने को यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे 1 GB रैम है, 8 GB स्टोरेज है एंड एंड्रॉइड 9.0 लेके आ जाता है। 1 साल का वारंटी है। प्राइस के बारे में बात करें तो 12,999 यानी 13,000 रुपये में सबसे कम दाम का टीवी है हमारे पूरे लिस्ट में। उसके बाद भी नंबर वन पे सिर्फ प्राइस के कारण नहीं है, इसका एक्चुअल में बहुत अच्छा यूजर रेटिंग है, उसके साथ में आपको काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी भी इस टीवी में देखने को मिलने वाला है। कोडैक की तरफ से काफी अच्छा ऑल इन वन पैकेज है जो आप फॉर श्योर लेना कंसिडर कर सकते हो 15,000 के बजट सेगमेंट में। एंड आई थिंक ये नंबर वन आपका प्रायोरिटी होना चाहिए क्योंकि प्राइस भी इसका कम है, उसके साथ में आपको बाकी सारे टीवी से कंपेयर करते हुए काफी अच्छा यहाँ पे पैकेज भी देखने को मिलने वाला है। हाँ, वारंटी है उतना कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ 1 ईयर का दे रहा है। एंड आई थिंक पैनल पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा वारंटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जैसा आपको बाकी सारे में देखने को मिल रहा है। सो इसमें आप वैसा वारंटी को कंसिडर नहीं कर सकते हो, और बट आपको जो पूरा पैकेज मिल रहा है वो इस प्राइस में यहाँ पे काफी सही देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको एक लॉन्ग वारंटी चाहिए, एक लंबा यूज के लिए टीवी चाहिए, तो फॉर श्योर आप अमेजोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे रियलमी MI वगैरह भी है, और अगर आपको वन प्लस काफी अच्छा प्राइस में मिल रहा है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सो यही थे कुछ 5 कमाल के स्मार्ट टीवी जो आप 15,000 में ले सकते हो। और आज की इस वीडियो में यार इतना ही था। तो अगर आप हमें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स इसी सारे टीवीज के बारे में, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियो आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।